नमस्कार दोस्तों, तो चलिए हम लोग बात करेंगे आज बहुत ही महत्वपूर्ण आर्टिकल के बारे में। यह आपका आर्टिकल सुरक्षा परिषद से संबंधित, किससे? सुरक्षा परिषद से संबंधित। तो याद रखना, ये आपका यूनाइटेड नेशन यानी कि संयुक्त राष्ट्र का एक भाग है, आपका सुरक्षा परिषद। ठीक है, जैसा कि आपको पता होगा, यूनाइटेड नेशन यानी कि संयुक्त राष्ट्र की स्थापना आपकी 24 अक्टूबर 1945 में हुई। इसमें आपके 193 देश हैं, मुख्यालय इसका न्यूयॉर्क में है। ठीक है, और इसके कार्य की बात करें तो इसके चार्टर में निहित उद्देश्यों सिद्धांतों द्वारा निर्देशित इसके कार्य होते हैं। इसके आपके प्रमुख भागों में से आपका सुरक्षा परिषद भी एक भाग है इसका। जैसे महासभा होता है, आर्थिक एवं सामाजिक परिषद होती है, न्याय परिषद होती है, अंतरराष्ट्रीय न्यायालय, सचिवालय, तो इसी में से आपका एक भाग है सुरक्षा परिषद। तो सुरक्षा परिषद क्यों चर्चा में, अभी इसे भी देख लेंगे हम लोग। सुरक्षा परिषद की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि क्या है, उसे भी हम लोग देख लेंगे। सुरक्षा परिषद को प्राप्त शक्तियां क्या है, उन्हें भी हम देख लेंगे। सुरक्षा परिषद और वैश्विक स्वास्थ्य व्यवस्था क्या है, उसे भी देखेंगे। सुरक्षा परिषद में परिवर्तन की आवश्यकता आखिर क्यों है, उसे भी देख लेंगे। भारत सुरक्षा परिषद का दावेदार क्यों है, उस पर भी चर्चा करेंगे। और अन्य देश भी सुरक्षा परिषद की में सुधार की मांग कर रहे हैं, तो उसे भी हम लोग देखेंगे। सुरक्षा परिषद में सुधार में बाधाएं क्या हैं, उन्हें भी हम लोग देख लेते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल UNSC वैश्विक सुरक्षा प्रबंधन का सबसे बड़ा मंच माना जाता है। ये समय विश्व के समक्ष COVID-19 की महामारी के रूप में जो चुनौती खड़ी हुई है, इसे 21वीं सदी में मानवता के लिए सबसे बड़ा संकट माना जा रहा है। इस संकट की घड़ी में जब संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने संकट को समाप्त करने में सक्रिय भूमिका की अपेक्षा थी, तो परिषद स्वयं ही निष्क्रिय अवस्था में है। यानी कि हम लोग जिससे आशा कर रहे हो आखिर वही गायब हो। तो इसका मतलब यही है कि जिस संकट की घड़ी में हम लोग सुरक्षा परिषद से जो उम्मीदें कर रहे थे वो उसमें सफल नहीं है। सुरक्षा परिषद का निष्क्रियता का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि यह वैश्विक संकट की घड़ी में सदस्य देश एक दूसरे पर दोषारोपण कर रहे हैं। मानवता के ऊपर मंडरा रहे इस संकट काल में संयुक्त राष्ट्र के महासचिव एंटोनियो गुटरेस ने घरेलू संघर्ष में उलझे देशों से युद्ध विराम की अपील की, लेकिन उनकी अपील के बावजूद संकट के इस वैश्विक परिदृश्य में जिस प्रकार सुरक्षा परिषद अनुपस्थित है, वह वाकई एक चिंताजनक स्थिति है। हालांकि वैश्विक स्तर पर हो रही आलोचना के बाद कुछ दिन पूर्व भी संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने सदस्य देशों के साथ अपनी पहली बैठक का आयोजन किया। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने विश्व भर में कोरोना वायरस से उत्पन्न संकट पर चर्चा के लिए बुलाई गई अपनी बैठक में COVID-19 से प्रभावित लोगों के एक साथ एकजुटता रख दिखाने और एकता बनाए रखने की आवश्यकता पर बल दिया। अब हम लोग बात करते हैं सुरक्षा परिषद की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि क्या है। सुरक्षा परिषद संयुक्त राष्ट्र की सबसे महत्वपूर्ण इकाई है, जिसका गठन द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान 1945 में हुआ था। तो याद रखना, यह आपकी यूएन की एक महत्वपूर्ण इकाई है। इसकी स्थापना 1945 में जब आपका द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था तभी हुआ। सुरक्षा परिषद में 5 स्थायी सदस्य हैं। सुरक्षा परिषद में आपके 5 स्थायी सदस्य हैं। कौन कौन से? अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, रूस और चीन। ये उसी तरह है, इन्हें सुरक्षा परिषद में जो आपके अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, रूस और चीन है, इन्हें वीटो का अधिकार है।
क्या है? स्थायी सदस्यों के पास वीटो का अधिकार है। इन देशों की सदस्यता दूसरे विश्व युद्ध के बाद के शक्ति संतुलन को प्रदर्शित करती है। अब वीटो का अधिकार मतलब क्या होता है? इसे जैसे 5 स्थायी सदस्य इन्हें वीटो का अधिकार है। वीटो का अधिकार ये है कि अगर 4 पक्ष में है किसी फैसले के, एक भी अगर उसके विपक्ष में है तो वो फैसला रद्द हो जाएगा। अगर जो भी फैसला लिया जाता है उसे 5 को ही सहमत होना चाहिए उस पर, तभी वो लागू होगा या मान्य होगा। ठीक है, सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्यों के पास वीटो का अधिकार होता है। इन देशों की सदस्यता दूसरे विश्व युद्ध के बाद की शक्ति संतुलन को प्रदर्शित करती है। गौरतलब है कि इन स्थायी सदस्यों देशों के अलावा 10 अन्य देशों को 2 वर्ष के लिए अस्थायी सदस्य के रूप में सुरक्षा परिषद में शामिल किया जाता है। जो 10 अन्य सदस्य हैं इन्हें 2 साल के लिए अस्थायी सदस्य के रूप में शामिल करते हैं। स्थायी और अस्थायी सदस्य क्रमशः 1 माह के लिए परिषद के अध्यक्ष बनाए जाते हैं। अस्थायी सदस्य देशों को चुनने का उद्देश्य सुरक्षा परिषद में क्षेत्रीय संतुलन कायम करना है। इस अस्थायी सदस्यता के लिए सदस्य देशों में चुनाव होता है। इसमें 5 सदस्य एशियाई या फिर अफ्रीकी देशों से, 2 दक्षिणी अमेरिकी देशों से, 1 पूर्वी यूरोप से, 2 पश्चिमी यूरोप या अन्य क्षेत्रों से चुने जाते हैं। बात करते हैं सुरक्षा परिषद को प्राप्त शक्तियों की। सुरक्षा परिषद संयुक्त राष्ट्र का सबसे शक्तिशाली निकाय है, जिसकी प्राथमिक जिम्मेदारी अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा कायम रखना है। इसकी शक्तियों में शांति अभियानों का योगदान, अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबंधों को लागू करना, सुरक्षा परिषद के प्रस्तावों के माध्यम से सैन्य कार्रवाई शामिल है। यह सदस्य देशों पर बाध्यकारी प्रस्ताव जारी करने का अधिकार वाला संयुक्त राष्ट्र का एकमात्र निकाय है। संयुक्त राष्ट्र चार्टर के तहत सभी सदस्य देश सुरक्षा परिषद के निर्णयों का पालन करने के लिए बाध्य हैं। संयुक्त राष्ट्र चार्टर के तहत सभी सदस्य देश सुरक्षा परिषद के निर्णयों का पालन करने के लिए बाध्य हैं। जो आपका सुरक्षा परिषद निर्णय करेगा उसे मानना पड़ेगा हर देश को। ठीक है, सदस्य देश को। मौजूदा समय में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के 5 स्थायी सदस्यों के पास वीटो पावर है। वीटो पावर का अर्थ होता है निषेधाधिकार। स्थायी सदस्यों के निर्णय से अगर कोई भी एक स्थायी सदस्य सहमत नहीं है तो वह वीटो पावर का इस्तेमाल करके उस निर्णय को रोक सकता है। सुरक्षा परिषद और वैश्विक स्वास्थ्य व्यवस्था। स्वास्थ्य को आम तौर पर व्यक्तिगत और विभिन्न देशों का घरेलू विषय माना जाता रहा है, विशेषकर तब तक जब तक स्वास्थ्य से जुड़ी कोई चुनौती कई देशों में एक साथ न उठ खड़ी हो। इस सदी के प्रारंभ में हमने देखा था कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में HIV यानी कि एड्स का मुद्दा उठा था। यह पहला मौका था जब सुरक्षा परिषद में किसी बीमारी को सुरक्षा के दृष्टिकोण से देखा गया। उस समय वैश्विक प्रशासन के सबसे बड़े सुरक्षा मंच पर परिचर्चा हुई थी। सुरक्षा परिषद द्वारा इस मुद्दे पर चर्चा करने का परिणाम यह हुआ कि अफ्रीका के युद्धरत देशों में शांति स्थापना के प्रयासों में एड्स की बीमारी को भी शामिल करने पर सहमति बन गई। वर्ष 2000 में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने एड्स की बीमारी को सुरक्षा का मुद्दा घोषित किया। इसके लिए सुरक्षा परिषद ने प्रस्ताव संख्या 1308 को मंजूरी दी थी। इसके प्रस्ताव के अंतर्गत इस बात पर जोर दिया गया था कि HIV एड्स महामारी की अगर रोकथाम ना की गई तो इसके पूरे अफ्रीका की स्थिरता और सुरक्षा को खतरा होगा। इसी तरह आपका वर्ष 2014 में जब पश्चिमी अफ्रीका में इबोला वायरस की महामारी फैली तो संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने इस पर एक प्रतिक्रियात्मक कदम उठाया और अपने शांति अभियानों के अंतर्गत इस महामारी से निपटने का लक्ष्य भी शामिल किया। इसी के बाद सुरक्षा परिषद के प्रस्ताव संख्या 3177 में इस बात पर जोर दिया गया था
कि इबोला वायरस की महामारी की रोकथाम के लिए संयुक्त राष्ट्र के सभी अनुषांगिक संगठनों को आपसी समन्वय के साथ काम करना चाहिए। दुर्भाग्यवश COVID-19 महामारी के बीच संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के किसी भी सदस्य देश ने इस तरह का कोई प्रस्ताव नहीं सामने रखा, जबकि जरूरत यह है कि महामारी से निपटने के लिए तमाम देशों में आपसी सहमति बनाने की कोशिश की जानी चाहिए। बात करते हैं सुरक्षा परिषद में परिवर्तन की आवश्यकता आखिर क्यों है। सुरक्षा परिषद की स्थापना 1945 की भू राजनीति के हिसाब से की गई थी। मौजूदा भू राजनीतिक द्वितीय विश्व युद्ध की पृष्ठभूमि से अब काफी अलग हो चुकी है। शीत युद्ध समाप्त के बाद से ही इसमें सुधार की जरूरत महसूस की जा रही है। इसमें कई तरह के सुधार की आवश्यकता है, जिसमें संगठनात्मक बनावट और प्रक्रिया सबसे अहम है। मौजूदा समय में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के 5 स्थायी देशों में यूरोप का सबसे ज्यादा प्रतिनिधित्व है, जबकि यहाँ विश्व की कुल आबादी का मात्र 5% ही निवास करती है। अफ्रीका और दक्षिण अमेरिका का कोई भी देश सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य नहीं है, जबकि संयुक्त राष्ट्र का 50% से अधिक कार्य अकेले अफ्रीकी देशों से संबंधित है। शांति स्थापित करने वाले अभियानों में अहम भूमिका निभाने के बावजूद भारत जैसे अन्य देशों के पक्ष को मौजूदा सदस्यों द्वारा नजरअंदाज कर दिया जाता है। संयुक्त राष्ट्र संघ के ढांचे में सुधार की आवश्यकता इसलिए भी है क्योंकि इसमें अमेरिका का वर्चस्व है। अमेरिका अपनी सैन्य और आर्थिक शक्ति के बल पर संयुक्त राष्ट्र संघ और अन्य अंतर्राष्ट्रीय संगठनों की भी अनदेखी करता है रहा है। बात करते हैं भारत सुरक्षा परिषद का दावेदार क्यों है आखिर। 1.3 बिलियन आबादी के साथ भारत दुनिया का दूसरा सबसे अधिक आबादी वाला देश है। चीन आपका पहले पर है। यहाँ विश्व की कुल जनसंख्या का करीब 1/5 यानी कि 5वां हिस्सा 1/5वां हिस्सा निवास करता है। भारत विश्व की उभरती हुई आर्थिक महाशक्ति है। वैश्विक स्तर पर भारत की बढ़ते आर्थिक कदम ने भारत के दावों को और मजबूत किया है। मौजूदा समय में भारत विश्व की 6वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। भारत को विश्व व्यापार संगठन ब्रिक्स और G20 जैसे आर्थिक संगठनों में सबसे प्रभावशाली देशों में गिना जाता है। भारत की विदेश नीति ऐतिहासिक रूप से विश्व शांति को बढ़ावा देने वाली रही है। भारत संयुक्त राष्ट्र की सेना में सबसे ज्यादा सैनिक भेजने वाला देश है। बात करते हैं अन्य समूह भी कर रहे हैं सुरक्षा परिषद में सुधार की मांग। G20 समूह भारत, जर्मनी, ब्राजील, जापान से मिलकर G4 है। क्या है? G4 समूह। इसमें भारत, जर्मनी, अफ्रीका, जापान ने मिलकर G4 नामक समूह बनाया। ये देश संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की स्थायी सदस्यता के लिए एक दूसरे का समर्थन करते हैं। G4 समूह का मानना है कि सुरक्षा परिषद को और अधिक प्रतिनिधित्वपूर्ण, न्यायसंगत व प्रभावी बनाने की जरूरत है। L69 समूह, ये समूह भारत, एशिया, अफ्रीका, लेटिन अमेरिका के करीब 42 विकासशील देशों के एक समूह की अगुवाई कर रहा है। L69 समूह ने UNSC सुधार मोर्चा पर तत्काल कार्रवाई की मांग की है। अफ्रीकी समूह में 54 देश शामिल हैं। आपकी संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में सुधारों की वकालत करने वाला दूसरा महत्वपूर्ण समूह है आपका अफ्रीकी समूह। इस समूह की मांग है कि अफ्रीका के कम से कम 2 राष्ट्रों को वीटो की शक्तियों के साथ सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य बनाया जाए। बात करते हैं सुरक्षा परिषद की सुधार में बाधाएं क्या क्या हैं। सुरक्षा परिषद के 5 स्थायी सदस्य देश अपने वीटो पावर को छोड़ने के लिए तैयार नहीं है, ना ही वे इस अधिकार को किसी अन्य देश को देने पर सहमत है। संयुक्त
संयुक्त राज्य अमेरिका और चीन सुरक्षा परिषद में किसी भी बड़े बदलाव के विरोध में है। अमेरिका जहां बहुपक्षवाद के खिलाफ है, तो वहीं रूस भी किसी तरह की सुधार के पक्ष में नहीं है। सुरक्षा परिषद में एशिया का एकमात्र प्रतिनिधित्व होने की मंशा रखने वाला चीन भी संयुक्त राष्ट्र में किसी तरह का सुधार नहीं चाहता। चीन नहीं चाहता कि भारत और जापान सुरक्षा परिषद के सदस्य बने। पता है, जब स्थायी सदस्यों की में इंट्री हुई, यानी कि ये सभी 5 सदस्य स्थायी सदस्य बने, तो चीन की जगह भारत को लिया जा रहा था, कहते हैं। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने चीन को इसमें शामिल कर दिया। उस समय ऐसा था कि घर में आपने देखा होगा कि अगर छोटा भाई है, बड़ा भाई है, तो बड़ा भाई बोलता है पहले तुम चले जाओ, मतलब एक अच्छा व्यवहार नहीं रहता। कहते हैं उसी का परिणाम है कि चीन को भारत की वजह से इसमें स्थायी सदस्यता मिली हुई है। इस वैश्विक संकट की घड़ी में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद को पूर्व की भांति सक्रियता दिखानी चाहिए, ताकि विश्व व्यवस्था के सम्मुख अंतर्राष्ट्रीय संस्थानों के महत्व कम करके ना आका जाए। वर्तमान परिस्थितियों के सामान्य हो जाने पर संयुक्त राष्ट्र को सुरक्षा परिषद में सुधार की दिशा में भी कार्यरत होना चाहिए। निश्चित रूप से स्थायी सदस्यता भारत को वैश्विक राजनीति के स्तर पर अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, चीन, रूस के समकक्ष लाकर खड़ा कर देगा। अतः संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्यता के लिए भारत को और अधिक गंभीर प्रयास करने की आवश्यकता है। तो ये थी आपकी सुरक्षा परिषद की पूरी कहानी, ठीक है।